ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में नशे का काला कारोबार करने वाले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सोलन पुलिस ने भी प्रण लिया है कि वे नशे के सौदागरों को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चिट्टा और बुक्की बरामद की गई है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वे नशे की खेप कहाँ से लाए थे और किसे बेची जानी थी। सोलन में नशे का काला कारोबार करने वाले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सोलन पुलिस ने भी प्रण लिया है कि वे नशे के सौदागरों को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे। आज भी 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चिट्टा और बुक्की बरामद की गई है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। आखिर वे नशे की खेप कहाँ से लाए थे और किसे बेची जानी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सोलन पुलिस द्वारा नशे को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया है जिसमें नशे का काला कारोबार करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उनके द्वारा धर्मपुर के समीप एक स्कूटी चालक को रोका गया जिसके पास से करीबन 5 किलो बुक्की बरामद की गई है। पकड़ा गया युवक पिंजोर का रहने वाला है। वहीं सोलन के टैंक रोड से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से चिट्टा बरामद किया गया है। तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम लगातार जारी है और इसी कड़ी में पिछले कल 2 केसेस NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। इसमें फर्स्ट केस में SIU की टीम ने धर्मपुर थाने की ज्यूरिसडिक्शन में एक व्यक्ति जिसका नाम मलिक है और ये पिंजौर का रहने वाला है, इसकी स्कूटी से 5 किलो 645 ग्राम भुक्की बरामद की है। इसमें NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी कड़ी में दूसरा हमारी एक सदर थाने की टीम ने यहां पे 2 लड़कों के कमरे से 1.32 ग्राम हेरोइन बरामद की है और ये जो लड़के हैं इनके नाम है रोहित अलायस रिंकू, ये अर्की का रहने वाला है, 21 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा जो लड़का है इसका नाम अमन कौशल है और ये कंडा घाट का रहने वाला है, 22 साल का है। इसमें भी NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।